इमरान खान के घर में मुबैना 40 दहशतगर्दों की मौजूदगी का मामला। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की सरबराही में टीम की जमान पार काम। टीम में DIG ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशंस और DC राफे हैदर शामिल हैं। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में टीम के इमरान खान से मुजाकरा जारी हैं। वकला और मीडिया के नुमाइंदगान भी जमान पार्क में मौजूद हैं। जमान पार्क के तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। मालोड से धर्मपुरा जाने वाली सड़क और अंडरपास ट्रैफिक के लिए बंद है। जमान पार्क से गिरफ्तार दहशतगर्दों के अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार 8 दहशतगर्दों के PTI के लीडरशिप से राबते थे। तमाम शरपसंद पार्टी की आदत से हदायत लेते रहे। इचरा का अब्दुल गफूर, मिसी शाह का एजाज और शाहदरा का जुहेब, एजाज चौधरी से हदायत लेते रहे। सवात का अजीजुल गनी भी KP से हदायत लेता रहा। जिना हाउस पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया। 500 कारकुनों और अहदेदारों की फहरिस्तें मुतलका थानों को जारी की गईं। फहरिस्त में शामिल अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गईं। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का आगाज आज रात से होगा। जिना हाउस पर हमला इंतहाई काबिले मुज़म्मत है। सानहा 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जिना हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि फौजी जवान हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। जिस मुल्क की अपनी फौज ना हो वहां दुश्मन की फौज आती है। तहरीक लब्बैक का 22 मई को पाकिस्तान बचाओ मार्च का ऐलान। सियासत के लिए पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कमजोर करने की हर साजिश नाकाम बनाएगी। तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI ने 9 मई को जो किया उसकी मुखालफत करते हैं। इमरान खान के साथ जो हुआ वो मकाफात अमल है। चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन एक साथ अपने मुकर्रर वक्त पर हों। मारूफ कानूनदान मियाँ शकील ठाकुर साथियों समेत मुस्लिम काफ में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर फजल दयान और डॉक्टर मियाँ शिराज ने भी काफ लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सरवर से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात हुई है। तमाम अहदेदारान ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सरवर की क्यादत पर एतमाद का इजहार किया। जिना हाउस और अस्करी टावर पर हमलों समेत 3 मुकदमात पर समाप्त हुई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी जमानत 2 जून तक मंजूर। ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी रोक दी है। अदालत का इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इमरान खान को 1-1 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत की गई है। जमान पार्क जलाओ घिराओ और जले शाह कत्ल केस में अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज किया गया। इंसाफ दहशतगर्दी अदालत 2 जून को जमानतों पर महफूज फैसला सुनाएगी। इमरान खान को इंसाफ दहशतगर्दी अदालत के बाद हाईकोर्ट से भी रिलीफ मिल गया। जिले शाह कत्ल केस में इमरान खान की बुरी जमानत 2 जून तक मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने दरख्वास्त पर समाप्त की है। PTI के 72 अराकीन के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत की अराकीन को इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। इमरान खान को तोशाखाना में नाहल करार देने के खिलाफ केस। इलेक्शन कमीशन को किसी मेंबर को नाहल करार देने का हक नहीं है। इमरान खान को तोशाखाना केस में हकायक के बरक्स नाहल किया गया। इमरान खान के वकील का बयान। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील शहजाद शौकत को फौरी दलाइल देने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील अपनी बारी पर दलाइल दें। अदालत के रिमार्क्स। हाईकोर्ट ने केस की समाअत 1 जून तक मुलतवी कर दी है। PTI के सैनिटर एजाज अहमद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त। हाईकोर्ट का एजाज चौधरी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। अदालत ने एजाज चौधरी की फैमिली को हरासा करने से भी रोक दिया।
गैर कानूनी तौर पर हरासा करना दुरुस्त नहीं है, तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ आपको कानूनी हक हासिल है। अदालत के रिमार्क्स। जिना हाउस में जलाओ घिराव और तोड़फोड़ का मुकदमा, साबिक सूबाई वजीर अली अफजल साही की हिफाजी जमानत मंजूर। अदालत ने 26 मई तक मुतालका अदालत से रजू करने की हिदायत कर दी है। अली अफजल साही पर फैसलाबाद में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। साबिक मुशीर खजाना सलमान शाह और जरार अली शाह जहांगीर अमीन की बाजियाबी का यह केस है। अदालत ने 22 मई को पंजाब हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने केस पर समाअत की है। इंतशार अंगेज तकरीर और पुलिस से लड़ाई झगड़े का केस है। जिला कचहरी अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने वकला के दलाइल तलब करते हुए समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी है। महंगाई ट्रेन का नॉन स्टॉप सफर जारी है। सरकारी नरखों में सात सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई। अरवी 300, मेथी 200, आलू 80, पालक 60 रुपए किलो फरो। महंगाई से फलों का जायका भी फीका पड़ने लगा। अंगूर 550, आम 380, आड़ू 320 रुपए किलो तक दस्तयाब हैं। एलपीजी मुआफिया पे लगाम, इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने में नाकाम। लाहौर में एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहर में एलपीजी 270 से 300 रुपए किलो तक फरोख। ओगरा ने रवा माह के लिए एलपीजी की कीमत 234 रुपए फी किलो मुकर्रर की है। बारह असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकरर तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए। माह मुश्ताक असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर तैनात हुई। सुहेब मुमताज को असिस्टेंट कमिश्नर खारियां लगा दिया गया। सुहेल रियाज असिस्टेंट कमिश्नर मंडी भाउद्दीन मुकर्रर हुए, जबकि सुहेल रियाज असिस्टेंट कमिश्नर मंडी भाउद्दीन तैनात कर दिए गए हैं। लाहौर के बासियों को साफ पानी की फराहमी में वासा की नाहली का मामला, शहर के बेशतर इलाकों में पीने का गंदा पानी फराहम किया जाने लगा। बेगमपुरा के इलाका महमूद आबाद के रहायशी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। इलाका मकीन वासा की मुबैना गफलत के सबब गंदा पानी पीने पर मजबूर है। गंदा पानी पीने के बायस मुख्तलिफ बीमारियाँ लाहक होने का खदशा है। लेस्को इंतजामिया के दावों के बरक्स मीटर्स का शॉर्टफॉल कम न हो सका। लेस्को रीजन में सिंगल और थ्री फेज मीटर्स की कमी है। सार्फीन नए कनेक्शन लगाने और खराब मीटर तब्दील कराने के लिए ख्वार हो गए। मुतअद्दिद सार्फीन दो माह से डिमांड नोटिस अदा करने के बावजूद कनेक्शन से महरूम। वेस्ट टू एनर्जी मनसूबे को ब्रेकें लग गई हैं। नॉर्वे जर्मनी चीन से होने वाले MOU ना छिड़ सके, जबकि लाहौर में कूड़े से 70 मेगावाट बिजली तैयार करने का मंसूबा लटक गया। चार माह कबल फाल होने वाले फंड्स अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद से पार्किंग कंपनी के नए CEO बिलाल फिरोज की मुलाकात हुई है। इब्राहिम मुराद की पार्किंग फीस के नाम पर लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई। निगरान वज़ीर इब्राहिम मुराद कहते हैं कि पार्किंग फीस के रेट्स नुमाया तौर पर अवेजा किए जाएँ। पार्किंग फीस सरकारी खजाने में जमा ना करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। LDF अफसरान ने दफातर में ताखीर से आना मामूल बना लिया। सीनियर डायरेक्टर्स और दीगर अफसरान बायोमेट्रिक हाजिरी ना लगाने पर शिकंजे में आ गए। ताखीर से आने पर LDA के 27 अफसरान को वार्निंग नोटिस जारी किया गया। अब तक 50 अफसरान को ताखीर से आने पर वार्निंग नोटिस जारी किए जा चुके हैं। टीचर्स के लिए बुरी खबर है, असातिज़ा से इजाफी मुआवजा वापस लेने का फैसला। टाइम स्केल प्रमोशन वाले टीचर्स से इंक्रीमेंट वापस लिया जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटी से सर्टिफिकेट मांग लिए। पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्कियों का अमल जारी है। लाहौर के 31 ट्रैफिक वार्डन्स को सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। फिंगरप्रिंट ब्रांच के 11 फ्रांसिक एक्सपर्ट्स की तरक्कियाँ भी मंजूर। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का LDA एवेन्यू 1 का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने के ब्लॉक में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर का LDA एवेन्यू 1 के दफ्तर और
वन विंडो सेल का भी दौरा। वन विंडो सेल में मुतल्लिका तमाम डायरेक्टोरेट का अमला तैनात करने का हुक्म। सीईओ एलडब्ल्यूएमसी बाबे साहिदीन का महमूद पुर्टी कंपोजिट प्लांट का दौरा। जीएम प्लांट डॉक्टर कामरान, मैनेजर कंपोजिट प्लांट मोहम्मद यासिन ने ब्रीफिंग दी है। बाबे साहिदीन की कंपोजिट के मेयार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। वजारत मजहबी उमूर का आजमीन को 55,000 रुपये फी कस वापस करने का फैसला। सरकारी हज स्कीम के तहत जाने वाले आजमीन मुतलका बैंक से रकम वापस कर सकेंगे। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आजमीन हज रवानगी से कबल अपनी रकम वसूल कर लें। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान केमिकल एक्सपो का दूसरा रोज है। बैन अलावामी एक्सपो में 125 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। केमिकल एक्सपो 3 रोज तक जारी रहेगा। स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। गर्मियों की छुट्टियां 1 जून के बजाय 6 जून से होंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने समरी तैयार कर ली है। छुट्टियों की हतमी मंजूरी निगरान वज़ीर आला पंजाब देंगे। इससे कबल 1 और 4 जून से छुट्टियों की तजवीज़ थी। नंबर बेहतर करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। चेयरमैन पंजाब बोर्ड कमेटी ने अहम तब्दीली की मंजूरी दे दी है। अब उम्मीदवार सिंगल पार्ट में नंबर बेहतर करने के लिए पेपर दे सकेंगे। इससे कबल नंबर बेहतर करने के लिए उम्मीदवारों को दोनों पार्ट के इकट्ठे पेपर देना होते थे। और बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने का मिशन लाहौर में इंसाद पोलियो मुहिम का 5वां रोज है। पहले 4 रोज में 16,57,000 से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई है। सरबराह पंजाब इंसाद पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल कहते हैं कि पोलियो का खात्मा वलीन तरजीह है। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रहे हैं।